एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। आई होप ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बोल रही हूं जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो आज मैं एक्चुअली एक स्पेशल वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि बहुत दिनों से मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग चैनल पे हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आएगा कि शोमाली आप इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक कैसे रह सकती हो, प्लीज उसका कोई टिप्स दे दो। बहुत सारे बहुत सारे जो ब्लॉगिंग होता है वो ज्यादातर फन, एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फूड, मतलब फैमिली के साथ थोड़ा सा मस्ती भरा ब्लॉग मेरा ज्यादा आता है। उस टाइम में इस चीज़ को लेके बैठ जाना मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और मुझे जल्दी जल्दी मेरा ब्लॉग भी ख़त्म करना होता है, क्योंकि दूसरे चैनल के लिए भी मुझे वीडियो बनानी होती है। मैं जैसे कि सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे लगता है, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके अलावा भी जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी चारों तरफ से, कई जगह से लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं, लाइफ में प्रेशर के साथ काम करते हैं। ट्रोलिंग, बुलिंग उनके भी लाइफ में होता है, या तो पर्सनल लाइफ में या तो प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसलिए क्यों ना मैं अपना वो सारे चीज़ें, वो मैं खजाना, वो मेरे लिए वो सारे खजाना है जो कि मैं यूज़ करती हूँ मेरे लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो, या अपने वर्किंग प्लेस, या तो आप कॉलेज में, या अपने आप अगर यूट्यूबर हो तो सोशल मीडिया में, तो आप किस तरह से वो सारी चीज़ों से बच सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगी वो है इग्नोर। इग्नोर एक ऐसा चीज़ है, बहुत ही छोटा वर्ड है पर इसका काम बहुत बड़ा है। और जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाएंगे ना, तो उस दिन पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मतलब खुशी और खुशी होगी ज़िंदगी में। सो गाइस, लाइफ में इग्नोर करना सबसे पहले सीखिए, जो मैं अपने लाइफ में करती हूँ। आप जानते हो, जो कि मेरे रेगुलर के व्यूअर हो, एक कपड़ों को लेके बस शुरू हो जाते हैं, अरे आप ये पहनी, अरे आप वो पहनी है, आप ये करती है, आपको सूट नहीं करता। तो क्या मैंने पहनना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है, एवरीडे मैं ब्लॉग में शॉर्ट्स पहनती हूँ। तो इस तरह से जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे लगता है कि ये मेरा एनर्जी देते हैं वो ही काम मैं करती हूँ। और वो सारी चीज़ों के बारे में जब तक मेरे फैमिली कुछ नहीं बोलते, तब तक वो काम मैं करती रहती हूँ। क्योंकि आप अगर बहुत मुश्किल में हो, तो वो आपके सराउंडिंग, जो सारे लोग आपका आपके ऊपर से उंगली उठाते ना, वो लोग आपको उस प्रॉब्लम से उठाने वाले तो है नहीं, आपको खुद को उठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप खुद अपने लाइफ में खुश रहो और उस जगह पे ना गिरो जहाँ पे आपको, जहाँ से आपको उठने की ज़रूरत है। तो हमेशा लाइफ में खुश रहो और वही करो जो आपको पसंद है। यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तो उस टाइम में मेरे आँख में बहुत सपने थे। वो सपने पैसे कमाने की नहीं, वो सपने हैं लोग मेरे चैनल को देखेंगे, जिनके चैनल मैं अभी देख रही हूँ उनकी तरह ही मैं अपना चैनल खोलूँगी। क्योंकि उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब का अर्निंग कैसा होता है, एक्चुअली कौन से लेवल पे जाने के बाद मेरा अर्निंग होगा, और होता भी है तो कितना होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना ही मित्र को कोई आइडिया था। क्योंकि हमारे जान पहचान में दूर दूर तक कोई यूट्यूब में काम करते ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे हमने सब कुछ सीखा। तो शोमाली किचन बहुत प्यार से मैं चलाती थी, उसमें नेगेटिव कमेंट भी आते थे, पर क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट आते तो मैं अपना चैनल तो नहीं बंद कर सकती, वो मेरा बहुत ही फेवरेट था, मेरा मतलब मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह। तो उसके बाद मैंने अपना प्रिवेंटिंग नेचुरली चैनल खोला, जो कि आज उसका नाम है शोमाली अधिकारी, मैंने उसका नाम चेंज किया है। तो प्रिवेंटिंग नेचुरली में थोड़ा बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे मिलने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा जो ये स्किन केयर, हेयर केयर, जिसके बारे में मैं उसमें कंटेंट डालती हूँ ना, वो मैं कॉलेज टाइम से करती आई थी, तो मुझे बहुत नॉलेज था उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, तो ठीक है, कर रहे तो कर रहे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं। मेरे लिए बस वही बात है कि उनका मन कर रहा है, वो मुझे बोल रहे हैं भला बुरा, तो बोलने दो, क्या कर सकते हैं। और ये बात मिथुन भी बहुत बोलते हैं, अच्छा ये ऐसा हुआ, अच्छा चलो क्या कर सकते हैं। मतलब ये और फैमिली का मतलब ये लाइन बहुत कॉमन है कि क्या कर सकते हैं, बुरा तो बोला। तो इसी तरह से मैं अपना चैनल चलाती रही और उसके बाद एक साल बाद मैंने क्रिएट किया ये चैनल शोमाली, सॉरी इंडियन ब्लॉगर शोमाली। तो ये चैनल का जब फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया, वो वीडियो था रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था इस चैनल में। वो चैनल शुरू करने के बाद सारे प्रिवेंटिंग के व्यूअर्स आके,
आप पैसों के लिए ये सब कर रही हो? आप तो एक ग्लास पानी भी मुझे नहीं लगता भर के पीती हो, और आप काम दिखा रही हो, घर का तो कोई काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग मुझे एज अ ब्यूटी ब्लॉगर देखते थे, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होममेकर भी मेरा एक रूप है, वो लोग वो नहीं जानते थे, बिना जाने बस शुरू कर दिया। तो मैंने किसी को आंसर भी किया था कि ये मेरा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है यार, इसमें तो कम से कम नेगेटिव कमेंट मत करो, थोड़ा सा ग्रो होने दो उसके बाद करो। और जैसे कि होते हैं नेगेटिव पीपल, मतलब पहला मैसेज भी उनका ही रहता है और लास्ट मैसेज भी उनका ही रहता है, तो रिप्लाई बैक करते गए, तो मैं स्टॉप कर दिया कि मैंने उस टाइम ही सोच लिया कि मैं गलत जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो बस छोड़ दिया, जो बोलना है बोलो। उसके बाद आज आप सब देख रहे हैं कि ये मेरा कोई नाटक नहीं है, ये मैं सच में, मेरे पास मतलब 10-20 नौकर चाकर नहीं है, मैं सच में अपना ये सारे घर का काम ये सब वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। तो इस तरह से जब कोई चीज़ आप अकेले करो, वो भी बहुत खुशी खुशी करो ना, तो ये सारे ये वो चीज़ें कौन कहाँ से क्या बोल रहा है ये सब आपके दिमाग तक नहीं आएगा। तो एटीट्यूड हमेशा ऐसा रखो कि क्या फर्क पड़ता है यार। सच में मैं अपने लाइफ में यही बात हमेशा सोचती हूँ कि जो भी जिस टाइम में भी मुझे जो जिस चीज को लेके बोलते हैं, मुझे उस चीज को ही स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। हमेशा मैंने अच्छे चीजों को लिया है, जो मुझे बोलते हैं कि मैं शोमली आपसे बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रही है। मैं भी शादी के बाद कुछ लोग तो कुछ मतलब बच्चे मतलब गर्ल्स ऐसे बोलते हैं कि मैं भी शादी के बाद आप ही जैसा बनना चाहती हूँ, आप जैसा मैं अपने घर को संभालना चाहती हूँ। कोई माँ बोलते हैं कि शोमली आपके जैसा मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी आप जैसा ही अपने ससुराल में बिल्कुल ऐसे ही काम करे, अपने फैमिली को संभाले, तो मेरा तो टेंशन जाएगा। तो इतना अच्छा लगता है गाइस, आपके बुराई करने वाला, आपको ट्रोल करने वाला जितने होंगे ना, उससे कई ज़्यादा होगा आपको इंस्पायर, आपको हमेशा हौसला देने वाला, आपकी तारीफ करने वाला, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो। हमेशा इसलिए कोई भी वीडियो आप देखिए, फ्लॉप या हिट, कोई भी वीडियो आप किसी का भी देख लीजिए, डिसलाइक से कई गुना ज्यादा होता है लाइक्स। तभी हमारा ये जो दुनिया है अभी तक टिके हुए है, क्योंकि अच्छे लोग अभी भी ज्यादा है बुरे लोगों से। तो इस तरह से मैं अपना जो जर्नी है सोशल मीडिया पे वो चलाते जा रही हूँ। एंड और एक चीज है जो कि मैं मानती हूँ कि फैमिली में खुश रहना, फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे लाइफ में तो है। तो बहुत सारे फैमिली है जहाँ पे घर के बहू को या बेटियों को सपोर्ट नहीं करते। तो हर माँ बाप समान नहीं होता, हर घर वाले समान नहीं, हर पति एक जैसा नहीं होता। तो मुझे अपने फैमिली से जो सपोर्ट मिला है, शायद इसलिए आज मैं इतना पॉजिटिव रह सकती हूँ, क्योंकि फैमिली पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। वही आपको वो सोच, वो इग्नोर करने का जो वो पावर वो देगा। घर वाले अगर आपके खिलाफ रहेंगे ना, तो आप दुनिया वालों के साथ लड़ नहीं पाएंगे। बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स हैं। आजकल लोग भी एडुकेटेड है, समझते हैं कि चीज़ों को कैसे लेना चाहिए, किस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए, किस पे सपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप कि आप भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपको नेगेटिव होने पे मजबूर कर रहा है, तो आप समझाने की कोशिश कीजिए, या तो खुद अर्न करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद अर्न करेंगे ना, तो आपका भी एक खुद का डिसीशन होगा, वहाँ पे बनेगा। जब आपका खुद का अर्निंग होगा, तब आपका लड़ने का पावर मिलेगा, तब आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे। अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी हम ऐसे तो बड़े दिल वाले बनने के लिए बोलते हैं, पैसा क्या है, कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत चीज़ है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लोगों के इम्पोर्टेंस पाने के लिए बहुत चीज़ है। अगर आपके पास अर्निंग ना हो, पैसा ना हो, तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, इवन आपके रिलेटिव्स भी आपको नहीं पूछेंगे। ऐसा ये हकीकत है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये हकीकत है। पैदा भाई निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और पॉजिटिव रहने के लिए इग्नोर वो जो मैंने आपको बोला है कि बस इग्नोर करो आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं। जैसे कि ऐसी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, ऐसे है कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं जो कि मुझे जानते तक भी नहीं है कि एक्चुअली मैं मेरे घर में क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती, सिर्फ स्क्रीन को देख के ऐसे करते हैं। पर आपके लाइफ में आप सोचिए, आप में से जो सोशल मीडिया पे नहीं है, क्या आप ट्रोल नहीं होते? आपके पड़ोस वाली कोई आपके फ्रेंड आपको यह बोलेंगे कि हाँ कभी घूमने फिरने जाओ, कभी ऐसे कपड़े पहनो, क्या हुआ आज के ज़माने में ये सब चलते हैं। पर जब भी आप थोड़ा सा घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा बोल्ड कपड़े पहन के, तब वही जाके दूसरे एक लेडीज़ को बोलना शुरू कर देंगे,
देखो एवरीडे इवनिंग ये निकल जाती है, वो भी ऐसे स्टाइलिश कपड़ों के साथ, लगता है दाल में कुछ काला है। तो मुझे तो फिर भी ऐसे लोग जो कि मुझे ट्रोल करते हैं, मुझे उनको फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लोग कौन है क्या है इवन उनका प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं होता। पर आपको तो ऐसे लोगों को एवरीडे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जब उठेंगे ना तो खिड़की खोल के उनका ही चेहरा देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इग्नोर करेंगे, तो देखना वो लोग धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से इग्नोर करना सीखिए लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना सीखिए। पर कोई अगर आप कोई गलत कर रहे हो, कोई अगर आपको सजेशन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे भी इग्नोर करो। मुझे भी बहुत लोग बहुत सजेशन देते हैं, मैं कभी कभी अपने ब्लॉग में भी बोलती हूँ कि ये मैंने उनसे सीखा है, ये मैंने मेरे एक व्यूअर से सीखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर नहीं पाती हूँ या गलत करती हूँ तो उनसे मैं सजेशन लेती हूँ। सजेशन देने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े दिल का होता है, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको सजेशन देते हैं। उनके साथ ऐसे नेगेटिव पीपल को मिक्स मत कर देना। आपको खुद को समझना होगा कौन आपको गाइड कर रहा है, कौन आपके अच्छे के लिए आपको बोल रहा है, और कौन आपको बस वही ट्रोल करने के लिए और भी डाउन करने के लिए बोल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सोमाली अधिकारी चैनल में मैं अभी अपना फैशन ब्लॉग्स बना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत मन था बहुत दिनों से। अगर किसी के पास कम कपड़े हैं तो वो क्या फैशन नहीं करेगी? वो क्या एक ही कपड़े पहन के हर रोज जाएगी स्कूल या कॉलेज, या तो सॉरी स्कूल में तो यूनिफॉर्म होगा, तो स्कूल कॉलेज या ऑफिस में जाएंगे? नहीं, उसके साथ भी कुछ करते हैं। तो इस तरह से एवरीडे नए नए प्लान के साथ मैं अपना फैशन ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। वहां पर भी यहाँ से कुछ लोग वहां पर जाके शुरू कर दिया ट्रोलिंग, तो भाई इसमें मेरा क्या गया? मैं क्या आज आज इतने पैसे खर्च करके मैं अपना स्टूडियो बनाई है, वो क्या मैं बर्बाद कर दूँ? नहीं ना। तो मैं जानती हूँ कि लोग ट्रोल करेंगे। कोई अगर कोई भी चीज़ अगर आप नया शुरू करना चाहते हो तो हजारों लोग आ जाएंगे आपको ऐसे पकड़ने कि मत करे मत करे मत करे, इसको नहीं करने देना है, नहीं करने देना है, पर आपको ऐसे तोड़ के बाहर निकल आना है। यही चीज़, यही एटीट्यूड हमेशा अपने साथ रखें। जरूरी नहीं कि आपको सोशल मीडिया में आना ही होगा तभी ये सारी चीज़ आप पे लागू होता है, आपके रियल लाइफ में प्रैक्टिकल आप जो लाइफ लीड करें वहाँ पे भी आप देखना ऐसे ही होगा। तो सारे चीज़ों का, सारे गॉसिप, इसका विक्टिम बनने से पहले वो सारे गॉसिप वालों को समझा देना कि ये आप पे कोई असर नहीं करने वाला है। और सच बोलूँ तो मुझे कोई ट्रोल नहीं करता, मुझे कोई ट्रोल नहीं करता, मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते। कोशिश और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे नहीं लगता मैं किसी की भी कोई भी बातों से ट्रोल होती हूँ। खुश रहना लाइफ में, पॉजिटिव रहना लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना, चाहे वो जो भी बोला होगा अपने कोई फैमिली मेम्बर हो, या कभी कभार फैमिली मेम्बर भी हमें ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा टूट जाते, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का स्पीड बढ़ा दिया ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, इतना तो तय है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।